वो जनता के साथ खड़े रहकर संघर्ष करे या प्रशासन के साथ खड़े रहकर अच्छे दिन का लाभ उठाए, ये दो ही ऑप्शन मोहन भाई के सामने थे। लेकिन मोहन भाई ने अपनी 35 इयर्स की जो पॉलिटिकल उनका जो करियर रहा है, उनमें हमेशा एक ही सिद्धांत पे चले हैं कि जनता के साथ खड़े रहना है, और यहीं से उनकी समस्याएं खड़ी हुई। आपको ज्यादा मैं विस्तार से बताने की मुझे जरूरत नहीं है और मैं इतना समय आपका लेना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन आप अखबारों के जरिए या टीवी के जरिए आपको पता है कि मोहन भाई ने कौन से मुद्दे उठाए पार्लियामेंट में, किन मुद्दों पे बात की और प्रशासन से उनका टकराव शुरू हो गया। वो मुद्दे आपके थे और उन्होंने उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उसके बाद में टकराव इतना गहरा हो गया और हम सब ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का परिणाम हमारे सामने आएगा। मोहन भाई के जाने के बाद सामने बहुत बड़ी सरकार थी, सामने बहुत बड़ा प्रशासन था, सामने बहुत बड़ा पैसा था और सामने बहुत बड़ी ताकत थी। सबको ऐसा लग रहा था कि कलाबेन और अभिनव कैसे खड़े रहेंगे, कैसे टिकेंगे और चुनाव में कैसे खड़े रहेंगे। लेकिन आज वो आपके सामने है। वोटिंग को अभी सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी है, वो डटकर खड़े हैं, सबके पास आपके पास जाकर हिम्मत से जा रहे हैं। लेकिन यह हिम्मत उनको कहां से मिली? यह हिम्मत उनको आपकी आपसे मिली, दादरा नगर हवेली की जनता से मिली। जिस तरह का समर्थन और सहयोग उनको जनता से मिला, उसी ने उनको खड़ा किया। अब 30 तारीख को वोटिंग है, आपको फैसला सुनाना है, आपकी इच्छा अनुसार वोटिंग करना है। लेकिन ऐसा ना हो कि सोसाइटी में एक या दो लोग ये समझते हैं या अपने दल को ऐसा बताते हैं कि यहां पर जो भी 1000-1500 वोट है वो सिर्फ हमारे इशारों पर चलते हैं, हम जहां कहते हैं वहीं वोटिंग होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं हो, आप लोग खुद सारी परिस्थितियों को एनालिसिस करने के लिए सक्षम हो, सारी परिस्थिति आप लोगों के सामने है। कैसे प्रतिनिधि को आपको भेजना है? उनको भेजना है जो चुनाव के बाद आपके बीच में कभी नजर नहीं आएंगे। फिर उनका एक ही काम होता है, प्रशासन के अधिकारियों को सेटिस्फाइड रखना, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, उनकी कोई फाइलें नहीं अटके, उनके कोई काम नहीं अटके, उनके कोई व्यापार में बाधा नहीं आए। या आपको ऐसे प्रतिनिधित्व को दिल्ली भेजना चाहिए जो आपकी समस्याओं को, आपकी जरूरतों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, वो आपकी आवाज बनेगा, आपकी बात सरकार तक रखेगा। यह फैसला आपको करना है, 30 तारीख को आपके हाथ में होगा। ईवीएम के सराउंडिंग वो लगा हुआ होता है, जिससे आप मत किसको देंगे वो किसी को पता नहीं चलता, आपका फैसला आप तक ही रहता है। लेकिन आपको सोचकर मत देना है, 2019 में एक इतिहास बना था, दादरा नगर हवेली का एक इतिहास था कि एक बार जो सांसद हार जाता है वो कभी नहीं जीतता। लेकिन 2019 में आपके मत ने वो इतिहास बदल दिया और एक नया इतिहास लिखा, जिसमें मोहन भाई हारने के बाद वापस जीते। अब और एक इतिहास आप बना सकते हैं, एक ऐसा इतिहास बना सकते हैं जो फॉरएवर रहेगा, सदियों तक वो इतिहास में कोई चेंज नहीं आ सकता है, सदियों तक नहीं, कभी भी नहीं आ सकता। अगर आप कलाबेन को सहयोग देंगे, कलाबेन को आगे के 3 सालों के लिए आपका हमारा दादरा नगर हवेली का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देंगे, तो ये इतिहास बनेगा जब दादरा नगर हवेली से पहली बार कोई महिला सांसद बनकर जाएगी। पहली बार दादरा नगर हवेली में, और पहली बार नहीं, वो आखिरी बार ही होगा, क्योंकि अगर पहली बार जाएंगे तो दूसरी महिला तो पहली बार जाने वाली नहीं है। तो ये इतिहास फॉरएवर बन जाएगा कि पहली बार कोई महिला हमारा प्रतिनिधित्व करेगी, नारी शक्ति प्रतिनिधित्व करेगी। हमने आज तक कई लोगों को आजमाया है, एक बार हमें महिला को अवसर देना चाहिए। महिला क्या काम कर सकती है, क्या करके दिखा सकती है, ये अवसर देने का समय है। और इतना तो हम सब आश्वस्त है, देखो मोहन भाई ने सबको बिलीव होगा ऐसा नहीं है,
मोहन भाई के लीडरशिप में, मोहन भाई के प्रदर्शन में जितने बिलीवर है शायद कई लोगों को वो पसंद नहीं भी होगा, लेकिन इतना तो साफ है कि वो एकमात्र दादरा नगर हवेली के ऐसे नेता थे जिनके लिए सबको रिस्पेक्ट तो था। शायद उनके पॉलिटिकल वर्किंग स्टाइल में किसी को बिलीव हो ना या ना, हाँ ना हो, लेकिन वो एक रिस्पेक्टेड लीडर थे जो सारे लोगों को एक्सेप्टेड थे। उनमें वो क्वालिटी थी जो एक लीडर में होनी चाहिए। 24 आवर्स पब्लिक सर्विस करने का उनका एक जज्बा था। वो चाहते तो अपना बहुत लाभ उठा सकते थे। 2019 में जीतने के बाद उनके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज थी जिसमें इतने सारे टेंशन्स, इतनी सारे संघर्ष की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उनका नेचर ही ऐसा था, उनकी वर्किंग स्टाइल ही ऐसी थी। और 2019 के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उनको सिर्फ जनता दिखाई पड़ रही थी। वही वर्किंग स्टाइल, वही सिद्धांत और वही संस्कार कलाबेन और अभिनव में आए हैं, हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है। अगर वो नहीं होता, वो संस्कार और वो सोच नहीं होती, तो कलाबेन आज कभी चुनाव लड़ नहीं रही होती, घर पे बैठी होती, आराम से अपना जीवन गुजार देती। अभिनव यंग है, उसकी अभी जो लाइफ का स्टेज है वो लाइफ जीने का है, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वापस फिर से वही परिस्थितियों में जा रहे हैं, वही जिम्मेवारी उठा रहे हैं जो मोहन भाई ने उठाई थी। तो अभी आप लोगों को सोचना है, सामने बहुत हेलीकॉप्टर भी आए हैं, बहुत पैसा भी आया है, बहुत बड़े मंत्री भी आए हैं। वैसे अच्छी बात है, अगर कोई केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता हमारे प्रदेश में आते हैं तो खुशी की बात है, लेकिन चुनाव के बाद क्या? ऐसा नहीं है ये पहला चुनाव है जिसमें मंत्री और नेता, राष्ट्रीय नेता, रुपया पैसा सब आया है, इसके पहले भी आया है, लेकिन आप अपने आप से पूछिएगा, चुनाव के बाद कोई मंत्री दिखा जो आपके लिए यहां आया हो? चुनाव के बाद कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता देखा जो आपकी समस्याओं के लिए यहां आया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह सोसाइटी है और बहुत अच्छे और बड़े परिवार यहां रहते हैं, पैसे की बात यहां पर आती नहीं, यहां लोग समझदार हैं, खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, आगे के 3 साल हमको क्या करना है, किनको अवसर देना है, यह एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि उन लोगों को जरूर एहसास कराना, जवाब देना, जो आप लोगों को अपनी जागीर समझते हैं, जो ये समझते हैं कि वो जहां कहते हैं, जहां इशारा करते हैं, वहां आंख बंद करके लोग वोटिंग करते हैं, उनको एक मैसेज जरूर देना। अभी हमारे बीच में कलाबेन आ चुके हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बहन जी आए हैं तो हम एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। कलाबेन का चुनाव का चिन्ह बैट्समैन है, बल्लेबाज है, आप लोगों को पता है कि मोहन भाई का भी यही निशान, यही चुनाव चिन्ह 2019 में था। बैट्समैन, मेरी सबसे पीछे खड़े लोगों से गुजारिश है, फिर प्लीज आप आगे आ जाइए। देखो, आप सुनेंगे, आपको तब अच्छा लगेगा जब आप बहन जी को देखकर सुनेंगे। अगर आप घर पे टीवी देख रहे हो, रेडियो सुन रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब आपके बीच में ही कलाबेन है तो क्यों ना आप उनको देखकर ही सुने। प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी है वो आगे आ जाइए, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और हमारी सोसाइटी की बहनों से गुजारिश है वो कलाबेन का स्वागत करें। ज़्यादा
कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, कोई इतना ज्यादा बर्दाश्त न करे, आराम से, कोई इश्यू नहीं। कहीं नहीं बहन, अभी वैसा कहीं नहीं, आप लोग फैमिली से कौशल भाई एक मिनट बहन उभा कर बहन बहन जरा ऐसा तो पहला फोटो जो तो पकड़ दो चेयर बराबर जो नहीं तो डबल चेयर कर दो डबल चेयर बराबर। यहाँ पर हमारे सोसाइटी के महिला मंडल यहाँ पर कला बहन का स्वागत करें हम जोरदार तालियों से। अब हम स्वागत में ज्यादा समय नहीं लेंगे, मीटिंग अभी बाकी है। मेरी गुजारिश है जिनको स्वागत करना है प्लीज जल्दी आइए, अभी हम बहन को सुनेंगे क्योंकि और 3 मीटिंग्स करनी है और 10 बजे समय पूरा हो जाता है। आप लोग भी बहुत समय से यहाँ बैठे हो, आपका भी अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहेंगे। थोड़ा मीडिया वाला के वीडियो वाला जो भी साइड पर थी ले लो। यहाँ पर आनंद रूपे जी मैंने हमारे विचार ऑलरेडी रखे हैं, अभी हम कला बेन को सुनेंगे। बधाने नमस्कार, पार्क सिटी में उपस्थित भाइयों बहनों युवाओं, आज हूँ तमारा समक्ष आई छू, एक उम्मीदवार तरीके आई छू। हिंदी में बाकी ऐसे धारो मैं ने पूछियो मैं गुजराती में बस ना हिंदी हिंदी उधर हिंदी हिंदी आई छू, हर एक जगह जाती छू, हर एक जगह जाती छू, अपना हर एक जगह मोहन भाई ने याद आवे छे, पर एक सोसाइटी में तमारा समक्ष आवता જ્યારે જ્યારે ઇલેક્શન આવ્યું છે, જ્યારે જ્યારે કોઈ સમસ્યા હોય અલવેજ તમારા સમક્ષ એ હાજર હતા, આજે એના વગર આપણે ઇલેક્શન લડી રહ્યા છીએ। ઘણી હિંમત મેં પણ કરી છે, લડાઈ ઘણી મોટી છે, પ્રદેશના હિત માટેની લડાઈ છે, આપણા મોહનભાઈના જસ્ટિસ માટેની લડાઈ છે, ઘણો બધો વિચાર કરીને તમારા સમક્ષ આવી છું, ઘણી હિંમત કરીને આવી છું। તમને બધાને ખબર છે, સભી કો પતા હૈ આજ હમારે પ્રદેશ કી સ્થિતિ ક્યા હૈ, હમારે પ્રદેશ કી હાલત ક્યા હૈ, યે સોચ કે આપકે સમક્ષ આયે હૈ। યે દિલકર પરિવાર हमेशा ये प्रदेश के लिए खड़ा रहा था, 35 साल तक हमारे सर ने ये प्रदेश को बनाया था, हमारे मोहन भाई ने बनाया था। 89 में इलेक्शन जीतने के बाद 92 में इंडस्ट्री लेके आए, दिल्ली से हक अधिकार की लड़ाई लड़ लड़ के इंडस्ट्री लेके आए, आप सब लोग आए, हर प्रांत से आए, एक भाईचारा के साथ
एक परिवार की तरह सभी को रखा। 2009 में 9 तक हमारा प्रदेश विकास के पथ पर था, थोड़े से मार्जिन से हम 2009 हारे। 9 के बाद धीरे धीरे प्रदेश की समस्या बढ़ती गई। ये नगर पालिका का एरिया है, मुझे पता है, सब जगह हमारे सर ने विजिट की। एक नगर पालिका हमारी थी, हमारी बड़ी बहन थी, मेयर थी हमारी जिगिसा बहन, वाइस मेयर रही है। एक ऐसा नारा दिया था, हमारा प्रदेश सुंदर स्वच्छ हमारा प्रदेश बने, एक भाईचारा के साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़े, ये नारा के साथ हमारे सर ने काम किया, नगर पालिका में काम किया। जहाँ पानी की समस्या थी वो हल की, पेवर ब्लॉक का प्रॉब्लम था वहाँ हल किया, रास्ते का प्रॉब्लम था, सब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम था वहाँ हल किया, सब जगह जा जाके विजिट कर करके हल किया। धीरे धीरे परिस्थिति हमारी समस्या बढ़ती गई और 2015 के आजू बाजू जब केंद्र से हमारे प्रदेश में एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के IAS अधिकारी आते थे, लेकिन 2015 के बाद एक पॉलिटिशियन हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ रखा गया। तब किसी ने नहीं शायद सोचा होगा कि हमारे प्रदेश की हालत ये होगी, सभी को ये पता था कि नहीं, पॉलिटिशियन आए हैं प्रदेश के विकास के लिए अच्छा सोचेंगे, काम करेंगे, जो हक अधिकार है उसके लिए लड़ेंगे तो ये अधिकार मिलेगा, ये सोच के सभी ने, वो टाइम नहीं पता था सभी को कि हमारे प्रदेश की हालत ये हो जाएगी। 15 के बाद जहाँ जो समस्या आई, इसमें खास करके हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी की बड़ी समस्या थी, हमारे इंद्रजीत भाई हैं यहाँ खड़े हैं, सबसे पहले उनको टारगेट किया गया था, PWD के कर्मचारियों को टारगेट किया गया था, छोटे छोटे जो हमारे गवर्नमेंट में बैठे कर्मचारियों को टारगेट किया जाता था, जो 25-25-30 साल से सर्विस कर रहे थे उसको निकालने की कोशिश की गई। जिला पंचायत हमारी थी, कोशिश हमारी रही बचाने के लिए, लेकिन इसमें भी जो जिला पंचायत और पंचायत और जो नगर पालिका के पावर्स थे वो सब छीन लिए। दिन ब दिन परिस्थिति कठिन होती गई, हमारे यहाँ व्यापारी भी शायद बैठे होंगे, नगर पालिका के एरिया से सब व्यापारी को भी पता है, रास्ते के नाम से जहाँ 25 मीटर का रास्ता था हमारे मोहन भाई ने 20 का किया, जहाँ 20 था 18 का किया, जिसे ये प्रशासक आने के बाद रास्ता बड़ा करने की कोशिश की गई, 25-25 मीटर का रास्ता 30-30 मीटर किया गया, सबकी दुकानें तोड़ी गई, घर तोड़े गए, और आपके सामने है समस्या जहाँ जितनी हो सके बढ़ती गई, सबको परेशान करना, छोटे कर्मचारी को परेशान करना, बड़े को परेशान करना, इंडस्ट्री वाले को परेशान करना, व्यापारियों को परेशान करना, जहाँ हमारे मोहन भाई जैसे लड़ने वाले थे सब कार्यकर्ताओं को परेशान करना, पर्सनल टारगेट करना, आजू बाजू जो भी हमारे साथ में थे, हमारे इंद्रजीत भाई जैसे उसके साथ जो उनके साथी थे, सभी को टारगेट करने की कोशिश चालू हो गई। परिस्थिति ऐसी बदली कि हमारे सर जो समस्या थी 2019 में समस्या देख के जिताने के बाद सर का एक काम करने का तरीका अलग से था, जो हक अधिकार लड़के लाते थे वही सोच के यही केंद्र सरकार के सामने जहां जो रजवात करनी थी कि प्रशासक के सामने की, दिल्ली में रजवात की, होम मिनिस्टर आए वहाँ की, पार्लियामेंट में रजवात की, और रजवात करने के बाद शायद ये तानाशाह प्रशासक को ये पता चला होगा कि भ्रष्टाचार किए हैं,
घोटाले किए हैं, अत्याचार किए हैं, वो शायद सामने आ जाएगा खुद के डर के मारे। हमारे मोहन भाई को टारगेट करने की कोशिश की, पर्सनल टारगेट करने की कोशिश की, कॉलेज को टारगेट किया, कॉलेज को तोड़ने के लिए आ गए। जो कॉलेज हमारे SSR कॉलेज, जो MBBS की कॉलेज वहाँ चलती है, वो कॉलेज को टारगेट करने की कोशिश की। दिन ब दिन हर रोज कोरोना का टाइम था, ऐसे सिचुएशन में पर्सनल उसको टारगेट करने की कोशिश की। हमारे चौहान साहब भी बैठे हैं, सभी को पता है, आप सर आपको भी पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ों में टारगेट करने की कोशिश की। ये तानाशाह ने खुद को बचाने के लिए सर को पर्सनल टारगेट किया, फैमिली को टारगेट किया, अभिनव को टारगेट किया, मुझे टारगेट किया, बेटी को टारगेट किया। और एक दिन ऐसा आ गया कि आज हमारे बीच हमारे मोहन भाई को छीन लिया। ये बड़ी दुख की बात है, इसलिए आपके समक्ष में आई हूँ। ये इलेक्शन का टाइम है, हिम्मत किया है मैंने, मुझे लड़ना है, मुझे और अभिनव को लड़ना है, सबके जस्टिस के लिए लड़ना है। ये हमारे परिवार ने नक्की किया कि हमको तो लड़ना है, लेकिन जहाँ तक जिला पंचायत का सवाल था, जब उसको टारगेट करने की कोशिश की गई, उसको तोड़ने की कोशिश की गई, और प्रदेश के सब लोग आने लगे कि नहीं, ये परिवार ने, ये प्रदेश ने, हमारे मोहन भाई ने 35 साल प्रदेश को बनाया है, उसको बचाने के लिए बहन आपको सामने आना पड़ेगा। अभिनव को बोला गया कि बेटा सामने आना पड़ेगा। ये सोच के मैंने भी डिसीजन लिया, मैंने भी हिम्मत की कि जो प्रदेश को बनाने के लिए इतनी हिम्मत मेहनत करके हमारे उत्तर प्रदेश को बचाया है, हमारी भी जिम्मेदारी एक बनती है। ये सोच के मैंने और अभिनव ने डिसाइड किया कि नहीं, हम प्रदेश के लिए भी लड़ेंगे, हम सर के लिए भी लड़ेंगे। ये हिम्मत करके आपके सामने मैं आई हूँ। और ये लड़ाई आपस की लड़ाई नहीं है, मैं सभी को यही सब जगह बताती हूँ, आपस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे प्रदेश को बचाने की लड़ाई है, हमारा उज्ज्वल भविष्य बने इसके लिए लड़ाई है, हमारा हक अधिकार जो छीना गया है उसको लेने की ये लड़ाई है, हमारे बच्चे का अच्छा भविष्य बने वो लड़ाई है हमारी। इसीलिए सभी के सामने में यही बात रखने के लिए आई हूँ। अभी तक हमारे मोहन भाई ने अकेले ने ये फाइट करके या समस्या जो आई हल करके अकेले ने ये प्रदेश को बचाया है। आज उसके बिना प्रदेश को बचाना है, सब मिलजुल के बचाना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि आपस की लड़ाई नहीं है, देखा है मैंने पर्सनल दिलकर परिवार को टारगेट किया जाता है। जो दिलकर परिवार कभी किसी को मौका नहीं दिया शिकायत का, ये दिलकर परिवार के ऊपर उंगली उठाई जाती है। दिल्ली से मिनिस्टर आते हैं, उंगली उठाई जाती है, एक जो महिला यहाँ से उम्मीदवार कर रही है उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है। सब आते हैं, दिल्ली से आते हैं, डोर टू डोर प्रचार करते हैं, और कभी कभी सोचते हैं हम कि प्रदेश की क्या हालत हो गई। ऐसे माहौल में हमने भी हिम्मत की है कि उसको जवाब देना पड़ेगा। आज अच्छा काम किया शायद केंद्र सरकार ने होता, यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने जो अच्छा काम किया होता, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं, दिल्ली से कोई लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अच्छे काम की वजह से ही सबको वोट मिल जाती। आज दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये प्रदेश की हालत, ये प्रदेश के लिए सर ने मेहनत की, ये प्रदेश को आगे लाने के लिए इसीलिए मेहनत की, ऐसे प्रदेश को बनाने के लिए जो तानाशाह अत्याचारी भ्रष्टाचारी ये आज जो प्रशासक आके बैठा है कि आज हक की लड़ाई के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए हम कहीं कुछ बोल नहीं पाते हैं, ये स्थिति लाके रख दी है। इसलिए सबको मैं बताना चाहूँगी कि ये समय आया है, जवाब देने का समय आया है। हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम हमारा अधिकार प्रॉपर यूज तो कर सकते हैं ना। हमको आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हो, इतना तो हम समझ सकते हैं ना।
कि ये प्रदेश को कैसे बचाना है, उज्जवल भविष्य कैसे बनाना है, नहीं तो फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि यही प्रशासक 5-5 साल से आज यहाँ से निकलने की बात नहीं करते हैं, यहाँ अभी तक रुकने की बात करते हैं। कभी कभी सवाल भी होता है कि इसमें क्या प्रदेश, छोटे से प्रदेश में ऐसी क्या चीज है कि उसको यहाँ से जाने के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये सभी को सोचना पड़ेगा, यही बात आपके समक्ष में रखने आई हूँ। जहाँ तक जो उम्मीदवार मेरे सामने खड़ा है उसके लिए भी मैं दो शब्द बोलूँगी, इसीलिए बोलूँगी कि शायद आप सभी को नहीं पता है, जो आदमी जब PSI की नौकरी छोड़ के एजुकेटेड की बात करते हैं ना यहाँ पे, कि एजुकेटेड को वोट देना है, सभी को ये मैं बताना चाहूँगी कि PSI की नौकरी छोड़ के इतनी लालच थी MP बनने की कि शायद उसने MP के लिए PSI की नौकरी छोड़ दी। यही BJP वाले ने धक्का मार के उसको बाहर निकाल दिया, टिकट नहीं दी। 2-2.5 साल के बाद सर के पास आए, पैर पड़े, बोला कि सर मुझे भी काम करना है, आपके साथ काम करना है। यही BJP वाले ने मेरी हालत ये कर दी है, एक बार मुझे मौका दो करके। और सर का स्वभाव ऐसा था, सभी को पता है, उसको दिया मौका, दिया जिला पंचायत का मेंबर बनाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया। हमारे इंद्रजीत भाई हैं, जिला पंचायत में थे, उसका व्यवहार कैसा है वो सभी को पता है। आज कांवचा जैसे गांव से आया है ऐसा बताता है, कभी कांवचा गांव की कभी फीलिंग्स समझी उसने, कभी कांवचा गांव के लोगों की बात कभी सुनी। अच्छा काम किया होता तो जिला पंचायत में और सरपंच को हराया नहीं जाता वहाँ BJP को। ऐसे गद्दार लोग जो उंगली पकड़ के हमारे सर यहाँ तक लेके आए, जिसे सिचुएशन बदली और जिला पंचायत में वाइस प्रेसिडेंट थे, जब टीचर्स की बात आई, PWD के कर्मचारी की बात आई, निकालने की बात आई, जाके पूरी डिटेल्स प्रशासक को बता देते थे कि नहीं सर, ये मोहन भाई ये कर रहे हैं, आपके खिलाफ ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात थी, गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर सब आए थे, आधे घर छोड़ के भागे थे, उसके लिए लोगों ने कंप्लेन की, तो ये पूरी बात प्रशासक को बताते थे कि नहीं ये सर ये वहाँ ये होता है, कोर्ट में जाने की कोशिश की है, लोग ये करते हैं करके। आज प्रदेश के लोग जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया, ऐसे लोगों ने पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ दे के पूरा नुकसान कर दिया, सभी को निकाल दिया। जहाँ हम कोर्ट में गए वो भी इंफॉर्मेशन वहाँ दे दी। जो सर के साथ इतनी गद्दारी की उसने, डे टू डे जो भी इंफॉर्मेशन होती थी पूरी वहाँ बता देती थी। कभी दुश्मन सामने है हम लड़ पाते हैं, लेकिन गद्दार है तो हम नहीं समझ पाएंगे, हार जाएंगे लेकिन नहीं पता चलेगा ये गद्दार आदमी मेरे सामने खड़ा है, ये फैमिली के सामने खड़ा है। ये सर ने जो सर ने उसको उंगली पकड़ के यहाँ तक लेके आए, वो सर के लिए 2 शब्द नहीं निकाले, एक श्रद्धांजलि स्वरूप एक शब्द नहीं बोले, एक बार के लाइसेंस के लिए जाके उसके गोद में बैठ गया, यही प्रशासक के गोद में बैठ गया। ऐसे यहाँ 1-2 ऐसे लोग हैं, मुझे पता है ये भी यही पार्क सिटी में है, दूसरे लोग भी जो जिला पंचायत की मेंबर बनाई थी, साथ में रखी, एजुकेशन में उसको चेयरमैन बनाया, वो आज बड़ी बड़ी प्रचार करती है, यहीं प्रचार करती है, एजुकेशन की बात करती है, उसको पता है उसकी हालत क्या थी, उसके हस्बैंड की हालत क्या थी। एक मेरे SSR कॉलेज में एक कैंटीन में काम करते थे, एक रसोईया की तरह काम करते थे, वो लोग आज दिलकर परिवार के ऊपर उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना है, सभी को समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जो बार चलाते हैं, बुटलेकिंग करते हैं, दारू बेच के सब युवाओं का जिंदगी जो बर्बाद करते हैं, वैसे लोगों को पहचानना पड़ेगा आपको। जो गांव में हम जाएंगे तो उसको सभी को बार एक पार्टी से पहचाना जाता है, ये पूरे टीम को, ऐसे लोगों को हम वोट देंगे, ऐसे लोगों के बातों में आ जाएंगे। ये पावर के लिए किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं, वो ये बात बताने के लिए मैं आई हूँ। और सभी हमारी बहनें भाई
भाई बेटे जो वडिल हमारे हैं, युवा है, जो भी समस्या आएगी हम साथ में खड़े हैं, लेकिन ऐसे गद्दार लोगों को पहचानना जरूरी है। यही बात बताने के लिए आई हूँ। जहाँ बीजेपी का सवाल है, हम वही बीजेपी के खिलाफ नहीं थे, हमारे सर भी अपक्ष से जीत के फिर यही केंद्र सरकार को मदद की थी, लेकिन हमको क्या मिला? हमारे बीच से सर आज नहीं है, कंप्लेन की वहाँ तक ऊपर तक कंप्लेन की कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे प्रदेश के साथ ये हो रहा है। आज भी कंप्लेन होती है, आज भी मिनिस्टर आते हैं, गांव के लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि कहाँ कोई दो शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, प्रदेश के लिए बोलने के तैयार नहीं है। हक की लड़ाई है, जो हमारा हक है उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज एक साल में 500 हजार करोड़ का बजट आता है। आज आप देखो रास्ते की हालत क्या है, प्रदेश की हालत क्या बना दी, ये सबको सोचना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदे सब कुछ सब लोग करेंगे, सब पार्टी करेगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यही बात आपके सामने मैं रखने के लिए आई हूँ। और मेरा सभी हमारी बहनों ने स्वागत किया, सभी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगी कि आप लोग सब लोग थोड़ा सर को, हमारे सर को याद करके श्रद्धांजलि स्वरूप आपके मैं सामने आई हूँ। हमारे प्रदेश की लड़ाई भी लड़नी है, सर की लड़ाई भी लड़नी है, एक श्रद्धांजलि स्वरूप एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। मैंने उम्मीदवारी की है, शिवसेना से उम्मीदवारी की है, और भविष्य में जो भी काम हमारे सर की विचारधारा थी, जो उन्होंने बताए रास्ते हैं, वही रास्ते पे हम चलेंगे। जो प्रदेश के लिए जो सपना देखा है, वही सपना हम पूरा करेंगे, ये सोच के आपके सामने आए हैं। हमारी पार्टी शिवसेना से है, इसमें भी अफवाहें फैलाई जाती हैं। हमारी एक जिम्मेदारी है कि नए प्रदेश के लोगों को जैसे सर ने रखा था, एक भाईचारा के साथ रखा था, वही भाईचारा के साथ हम मिलजुल के प्रदेश को अच्छा बनाएंगे। सभी को धन्यवाद, आभार। पूरे पार्क सिटी का, भैया बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कलाबेन को सुना। और मैं चाहूँगा कि 30 तारीख को बल्लेबाज के चिन्ह पर 4 नंबर पर वोट दें और इस प्रदेश को कलाबेन को जीतने का और जिताने का भारी मतों से विजय बनाए। एक बार जोरदार तालियों से, तालियां कम है, वोट ज्यादा आने चाहिए।